बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 13.1 इवेलुएट विदाउट यूजिंग टेबल फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स 1 लेट वाई बराबर है साइन इनवर्स 1 साइन वाई बराबर होगा 1 से वेयर इसकी डोमेन होगी -π/2 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू π/2 भाई ये पहला या फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपको पता है बट भैया साइन π/4 किसके बराबर था जी? 1 के। नो प्लीज दोनों को कंपेयर करो तो वाई किसके बराबर होगा? π/4 के, π/2 के जी। भाई वाई किसके बराबर होगा? π/2 के जी। तो वाई की वैल्यू पुट करो साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होगा? π/2 के जी। तो ये आपने साबित कर, ये आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी साइन इनवर्स 1 लिहाजा याद रखिएगा π/2 था जी। भाई इवैल्यूएट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल, वैसे तो कैलकुलेटर से एक मिनट में निकल आएगा लेकिन कहता है विदाउट यूजिंग टेबल। भाई साइन इनवर्स 1 को आप वाई रखो, भाई साइन इनवर्स 1 को आपने क्या रखना? वाई। तो वाई किसके बराबर होगा भाई जन? साइन इनवर्स 1 साइन वाई बराबर होगा 1 के, वेयर -π/2 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू π/2। आपको पता है भैया साइन π/2 किसके बराबर है? 1 के। क्यों? पॉजिटिव है ना, ये पहला या चौथा क्वाड्रेंट है भैया, पहला चौथा क्वाड्रेंट है। चूंकि पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट? पहला क्वाड्रेंट। साइन π/2 था 1 जी। नाउ वाई किसके बराबर होगा? π/2 के जी। वाई की वैल्यू पुट करो साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होगा? π/2 के। नो सेकंड पार्ट साइन इनवर्स -1 जी। भाई जन सेकंड पार्ट कर साइन इनवर्स -1, तो लेट वाई बराबर साइन इनवर्स -1 जी। भाई आप देखें साइन वाई इज इक्वल टू क्या करी? -1 जी। वेयर इसकी डोमेन होगी -π/2 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन π/2। भाई साइन की डोमेन कन्फर्म होती है -π/2 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन π/2। इसका मतलब पहला चौथा क्वाड्रेंट। अब नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। बट आप जरा पता है, आपको पता है भाई साइन -π/2 का था -sin π/2। भाई साइन का अगर नेगेटिव पड़ा तो बाहर आते थे जी। भाई साइन का अगर नेगेटिव पड़ा तो बाहर आते थे जी। भाई जन साइन का अगर नेगेटिव बाहर आ रहे थे जी। अब भाई जन गौर से देखें कि साइन π/2 था -1 जी, तो आएगा -1 जी। जो दोनों को राइट इक्वल है तो भैया दोनों की लेफ्ट भी इक्वल होगी, लिहाजा कंपेयर करोगे वाई किसके बराबर आएगा? -π/2 के। वाई की वैल्यू पुट की साइन इनवर्स -1 एंड वी गेट -π/2। ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट वी हैव कॉस इनवर्स √3/2। भाई थर्ड पार्ट वी हैव कॉस इनवर्स √3/2। भाई जन देखिए लेट वाई बराबर है कॉस इनवर्स √3/2। कॉस वाई किसके बराबर होगा? √3/2। इसकी डोमेन होती है 0 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन π/2। भाई कॉस की डोमेन होती है 0 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन π/2। इसका मतलब पहला और चौथा क्वाड्रेंट। अब भैया पॉजिटिव है तो पहला और दूसरा क्वाड्रेंट पॉजिटिव है तो भैया पहला क्वाड्रेंट। अब कॉस √3/2 कब होता है? कॉस π/6 बराबर था √3/2। भाई कॉस π/6 किसके बराबर था? √3/2। हमें पता है भैया कॉस π/6 किसके बराबर था? √3/2 के। नो कंपेयरिंग करेंगे तो भैया वाई किसके बराबर होगा? π/6। भजन वाई किसके बराबर आएगा? π/6 के। वाई की वैल्यू पुट करें कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/6 आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फोर्थ पार्ट टेन इनवर्स -1/√3। भाई टेन इनवर्स -1/√3, तो वी नो लेट वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स -1/√3। भैया आपने इसको वाई फर्स्ट किया, वाई बराबर टेन इनवर्स -1/√3। तो भाई टेन वाई किसके बराबर होगा? -1/√3। भाई इसकी डोमेन होती है -π/2 इज लेस देन वाई इज लेस देन π/2। भैया लेस इक्वल नहीं आएगा, सिंपल लेस आएगा। भाई टेन के केस में क्या आएगा? लेस। भैया -π/2 इज लेस देन वाई इज लेस देन π/2। अब भैया नेगेटिव है ना, आपको पता है भैया नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा जी? भाई टेन एंड नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? देखेंगे पहला और चौथा क्वाड्रेंट है। अब नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? भैया फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई जन कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको पता है भैया टेन एंड कब होता है? 1/√3। टेन एंड -π/6 को भैया -10√6 और ये -1/√3। भाई दोनों की राइट इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट भी क्या इक्वल होगी जी? भाई दोनों की राइट इक्वल है, दोनों की लेफ्ट भी क्या इक्वल होगी जी? तो वाई किसके बराबर होगा जी? भैया -π/6। भाई वाई किसके बराबर होगा? -π/6 के। हैंस टेन इनवर्स -1/√3 किसके बराबर होगा? -π/6 के। भाई वाई की वैल्यू पुट करोगे ना, वाई किसके बराबर? टेन इनवर्स -1/√3 इज इक्वल क्या? -π/6। तो भाई सर देखें, आपने टेनेंट की डोमेन याद रखनी है -π/2 इज लेस देन वाई इज लेस देन π/2 जी। भाई टेन की डोमेन होती है -π/2 इज लेस देन वाई इज लेस देन π/2 जी। भाई जन टेनेंट की डोमेन होती है -π/2 इज लेस देन वाई इज लेस देन π/2। अब आपको उधर टेनेंट कब होता है भैया? -1/√1/2। तो टेन नेगेटिव है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा।
फोर्थ में जाने के लिए वे नेगेटिव यूज करेंगे। क्लॉकवाइज जाना 10 माइनस 5 बाई 6, वही माइनस को बाहर निकाल भाई, 10 इंट का अगर नेगेटिव बड़ा बाहर रहते हैं तो 10 इंट 5 बाई 6 करता है 1 बाई रूट 6, वी गेट माइनस 1 बाई रूट 6। भाई दोनों की राइट सीक्वल है, दोनों की लेफ्ट भी का इक्वल होगी, तो वाई किसके बराबर होगा माइनस 5 बाई 6। लो अब वाई की वैल्यू 10 वर्स माइनस 1 बाई रूट 3 पुट की, वी गेट माइनस 5 बाई 6। फिफ्थ पार्ट वी हैव कॉज इनवर्स 1 बाई 2 वजन कॉज इनवर्स 1 बाई 2 लेट वाई बराबर है कॉज इनवर्स 1 बाई 2। अब भाई कॉज वाई किसके बराबर होगा 1 बाई 2, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन पाई जी। भाई कॉज की डोमेन होती है 0 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन पाई जी। वजन कॉज की जो डोमेन होती है वो होती है 0 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन पाई जी। ये भैया पॉजिटिव है तो ये पहला चौथा पहला दूसरा क्वाड्रेंट पॉजिटिव है तो भाई कौन सा क्वाड्रेंट होगा 1 की जी, भाई कौन सा क्वाड्रेंट होगा 1 जी, भाई पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा 1 जी। भैया हमें पता है एज भैया कॉस पाई बाई 3 किसके बराबर था 1 बाई 2 की, भाई कॉस 60 किसके बराबर था 1 बाई 2। तो भाई कंपेयर करोगे वाई किसके बराबर पाई बाई 3 की, वाई की वैल्यू पुट करोगे तो भाई क्या होगा कॉस इनवर्स 1 बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 3। नो सिक्स पार्ट 10 वर्स 1 बाई अनरूट 3 जी, भाई 10 वर्स 1 बाई अनरूट 3 तो लेट वाई बराबर 10 वर्स 1 बाई अनरूट 3 जी, भाई लेट वाई बराबर 10 वर्स 1 बाई अनरूट 3। अब जरा देखिएगा भाई जन 10 एंड वाई किसके बराबर आएगा जी, भाई टेन एंड वाई बराबर आएगा 1 बाई अनरूट 3 जी, भाई 10 एंड वाई किसके बराबर आएगा 1 बाई अनरूट 3। तो इसकी डोमेन होती है माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई 2 जी, भाई इसकी डोमेन होती है माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई 2 जी। अब आपको पता है भैया 10 एंड पाई बाई 6 कब होता है जी, 10 एंड पाई बाई 6 का 1 बाई रूट 3 जी। भैया हमें यह पता है 10 एंड पाई बाई 6 10 एंड 30 का 1 बाई अनरूट 3 जी। अब भैया ये देखो ना इसका मतलब माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई का पहला चौथा क्वाड्रेंट। अब भैया पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब भाई जान आपको पता है 10 एंड पाई बाई 6 किसके बराबर था भाई 1 बाई अनरूट 3 के, दोनों को कंपेयर करेंगे वाई किसके बराबर आएगा पाई बाई 6 के, वाई की वैल्यू करेंगे 10 वर्स 1 बाई अनरूट 3 बराबर होगा पाई बाई 6 के। भाई 10 वर्स 1 बाई अनरूट 3 किसके बराबर होगा पाई बाई 6 के, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट वी हैव कॉट इनवर्स माइनस 1 जी, भजन कॉट इनवर्स माइनस 1 जी। भाई जरा देखिएगा वाई बराबर है लेट वाई बराबर कॉट इनवर्स माइनस 1 के, तो कॉट वाई क्या होगा माइनस 1 जी। तो भाई इसकी जो डोमेन होती है 0 इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई जी, भाई इसकी डोमेन होती है 0 इज लेस देन वाई, कॉट की डोमेन होती है 0 इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई जी। भाई जन कॉट की डोमेन होती है माइनस 0 इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई जी, भाई इसका मतलब पहला और दूसरा क्वाड्रेंट, भाई पहला और दूसरा क्वाड्रेंट भी। अब भाई जन आपको उधर इसको उल्टाएंगे 10 एंड वाई किसके बराबर होगा माइनस 1 के, और 10 इंट वाई कब होता है भैया माइनस 1 के, भैया 10 इंट वाई कब होता है माइनस 1 जब 10 इंट 3 पाई बाई 4 हो। भैया 10 इंट 135 किसके बराबर होता है 10 इंट, इसको लिख सकते ना भैया पाई माइनस पाई बाई 4, पाई के ऊपर भैया फंक्शन चेंज कर 10 पाई बाई 4 आएगा जी, और 10 इंट पाई बाई 4 का होगा माइनस 1। वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते 10 इंट 3 पाई बाई 4 माइनस 1 होता है, लेकिन आप इस तरह करेंगे पाई माइनस पाई बाई 4, भाई पाई के ऊपर फंक्शन चेंज नहीं होता 10 इंट 10 इंट 10 पाई बाई 4 आ जाएगा, सेकंड में 10 इंट का होगा नेगेटिव। अब भैया जन देखें 10 इंट पाई बाई 4 1 जी, तो भैया माइनस 1 बन गया टोटल। तो भैया दोनों को कंपेयर करो, दोनों की राइट इक्वल है तो भैया दोनों की लेफ्ट भी का इक्वल होगी जी। भाई जन दोनों की अगर राइट इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट भी का इक्वल, तो वाई किसके बराबर आएगा 3 पाई बाई 4, तो वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो कॉट इनवर्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। भाई कॉट इनवर्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेकेंट इनवर्स माइनस 2 बाई अनरूट 3, भाई कोसेकेंट इनवर्स बराबर है माइनस 2 बाई अनरूट 3, लेट वाई बराबर है कोसेकेंट इनवर्स माइनस 2 बाई अनरूट 3। तो भाई कोसेकेंट वाई क्या होगा माइनस 2 बाई अनरूट 3, भाई कोसेकेंट वाई किसका माइनस 2 बाई अनरूट 3, और इसकी डोमेन होगी माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई 2, वेयर वाई इज नॉट इक्वल टू 0 जी, वेयर वाई इज नॉट इक्वल टू 0 जी। भाई जरा देखिए हमारे पास है कोसेकेंट वाई इज इक्वल टू माइनस 2 बाई अनरूट 3, इसकी डोमेन होती है माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई 2 जी, वेयर वाई इज नॉट इक्वल टू 0 जी। भैया ये हमने पहले स्टडी किया है, ये याद रखना है आपने, को सिकेंड की जो डोमेन होगी माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई 2, वाई इज नॉट इक्वल टू 0। अब भाई जना आप गौर से देखें भैया जब इसको रेसिप्रोक करेंगे साइन वाई किसके बराबर होगा माइनस 1 बाई 2। अब भाई जन साइन कब होता है भाई जन माइनस 1 रूट 3 बाई 2 साइन 60 पे होता है, तो साइन भैया ये पहला चौथा क्वाड्रेंट है। अब नेगेटिव है तो भाई कौन सा क्वाड्रेंट होगा चौथा क्वाड्रेंट, भाई नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब भैया साइन माइनस पाई बाई 3 क्या होगा माइनस साइन पाई बाई 3 एंड माइनस अनरूट 3 बाई 2, भाई जन दोनों को कंपेयर करना
तो वाई किसके बराबर होगा माइनस पाई बाई थ्री, वाई की वैल्यू लगाएंगे तो भैया कोसेक इनवर्स माइनस टू बाई रूट थ्री बराबर होगा माइनस पाई बाई थ्री। भाई कोसेक इनवर्स माइनस टू बाई रूट थ्री किसके बराबर होगा माइनस पाई बाई थ्री। नाउ भैया टेंथ पार्ट वी हैव भैया साइन इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू, भाई साइन इनवर्स माइनस वन बाय रूट थ्री टी, भैया साइन इनवर्स माइनस वन बाय रूट थ्री टी जी लेट कर लें वाई बराबर साइन इनवर्स माइनस वन बाई रूट थ्री, तो साइन वाई क्या होगा जी माइनस वन बाय रूट थ्री टू, इसकी डोमेन होती है माइनस पाई बाई टू इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन पाई बाई टू। भाई साइन की डोमेन याद रखनी है माइनस पाई बाई टू इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई टू, भाई इसका मतलब पहला और चौथा क्वाड्रेंट। अब नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, भाई नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, और ये कब होता है भैया वन बाय रूट टू फोर्टी फाइव, तो साइन माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई फोर, और भैया साइन पाई बाई फोर होता है वन बाई रूट टू, तो वी गेट भाई तब कंपेयर करोगे ना दोनों की राइट इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट भी करेंगे वाई बराबर होगा माइनस पाई बाई फोर के, भाई वाई की वैल्यू पुट करेंगे साइन वर्स माइनस वन बाई रूट टू बराबर होगा माइनस पाई बाई फोर, यही हमने निकाला था। अब भाई क्वेश्चन टू है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर शो करना है टेन वर्स फाइव बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू साइन वर्स भैया फाइव बाई थर्टीन, भैया विदाउट यूजिंग टेबल, विदाउट यूजिंग टेबल आपने भैया ये कैलकुलेट करना है टेन इनवर्स फाइव बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू साइन वर्स भैया फाइव बाई थर्टीन। भैया विदाउट यूजिंग टेबल का मतलब है आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल, वैसे तो कैलकुलेटर भैया फाइव बाई ट्वेल्व का टेन इनवर्स लें आंसर नोट कर लें, फाइव बाई थर्टीन का साइन वर्स लें आंसर नोट कर लें, दोनों बराबर होंगे, लेकिन कहते हैं नहीं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। भैया लेट अल्फा बराबर साइन वर्स पाँच बटा तेरह, तो भाई साइन अल्फा बराबर होगा पाँच बटा तेरह, भाई ना टेन अल्फा किसके बराबर होता है भाई साइन अल्फा कॉस अल्फा, भाई टेन अल्फा बराबर था साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की जहाँ पे यू पुट वन मनफी साइंस के अल्फा, भाई कॉस अल्फा की जहाँ पे यू पुट वन मनफी साइंस के अल्फा का जैसा चीज। अब भैया साइन अल्फा हमारे पास है पाँच बटा तेरह वो लगाएं भैया एलसीएम लिया सिंप्लीफाई किया तो वही गेट पाँच बटा बारह जी, तो भाई सौ टेन अल्फा बराबर है पाँच बटा बारह के, तो अल्फा किसके बराबर होगा टेन वर्स पाँच बटा बारह के, भाई दोनों की लेफ्ट इक्वल है दोनों की राइट भी क्या इक्वल है, भाई दोनों की ये देखें ये भी अल्फा है और भाई जन ये भी अल्फा है, भाई दोनों की लेफ्ट इक्वल है दोनों की राइट भी क्या इक्वल होंगी, सो टेन वर्स फाइव बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू किसके बराबर का साइन वर्स फाइव बाई थर्टीन, भाई टेन वर्स भाई जन क्या है फाइव बाई थर्टीन ट्वेल्व इज इक्वल टू साइन वर्स फाइव बाई थर्टीन जी। सेकेंड पार्ट टू कॉस इनवर्स फोर बाई फाइव, भाई जन टू कॉस इनवर्स फोर बाई फाइव बराबर है साइन वर्स चौबीस बटा पच्चीस, ये आपने साबित करना है। भाई लेट वाई बराबर है टू आगे कॉस इनवर्स भैया फोर बाई फाइव, भाई लेफ्ट वाली को आपने वाई फर्ज किया, भाई लेफ्ट वाली को आपने क्या फर्ज किया, तो अल्फा बाई टू किसके बराबर होगा कॉस इनवर्स फोर बाई फाइव, भाई अल्फा बाई टू किसके बराबर होगा कॉस इनवर्स फोर बाई फाइव, भजन सो कॉस अल्फा बाई टू बराबर है फोर बाई फाइव। अब भजन साइन अल्फा बाई टू क्या होते हैं अंडर रूट के अंदर वन मन फिर कॉस के अल्फा बाई टू, भाई साइन अल्फा बाई टू किसके होता है वन मन फिर कॉस के अल्फा बाई टू, भाई कॉस अल्फा बाई टू की वैल्यू फोर बाई फाइव लगाई थी उसका स्केयर किया सिंप्लीफाई किया वी गेट थ्री बाय फाइव जी। अब भैया हमारे पास साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू निकला है, वी नो साइन अल्फा किसके बराबर था टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, भैया वी नो साइन अल्फा किसके बराबर था टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, भैया ये फार्मूला होता है हाँ टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू की जहाँ पर यू कैन पुट साइन अल्फा एंड साइन अल्फा की जहाँ पर यू कैन पुट टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। नाउ भैया साइन अल्फा अवेलेबल कॉस अल्फा अवेलेबल अल्फा बाई टू अवेलेबल पुट हेयर एंड वी कैट दिस, तो भैया अल्फा किसके बराबर होगा साइन वर्स भैया चौबीस बराबर पच्चीस, तो भैया दोनों की लेफ्ट इक्वल है फ्रॉम अबव एंड हेयर, तो वी कैन से टू कॉस इनवर्स फोर बाई फाइव बराबर है साइन वर्स चौबीस बटा पच्चीस। भैया मुश्किल कोई नहीं है, थोड़ा सा आपने पहले इसको अल्फा फर्ज करके आगे प्रोसीजर शुरू कर दिया। नो थर्ड पार्ट कॉस इनवर्स फोर बाई फाइव, भैया आपने साबित करना है कॉट इनवर्स फोर बाई थ्री, भाई कॉस इनवर्स फोर बाई फाइव बराबर है कॉट इनवर्स फोर बाई थ्री आपने शो करना है। भैया आपने साबित करना है कॉस इनवर्स फोर बाई फाइव बराबर है कॉट इनवर्स फोर बाई थ्री, भाई लेट अल्फा बराबर है कॉस इनवर्स फोर बाई फाइव, तो कॉस अल्फा बराबर होगा फोर बाई फाइव की, तो भाई कॉट अल्फा किसके बराबर होगा, भैया आपने कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स के बराबर साबित किया, तो भाई कॉट अल्फा होगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा, भाई कॉट अल्फा किसके बराबर होता है कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, भाई जन कॉट अल्फा बराबर होगा कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, भाई गौर से देखना वी हैव वी वांट टू प्रूव कॉस इनवर्स फोर बाई फाइव बराबर है कॉट इनवर्स फोर बाई थ्री, भाई हेयर वी हैव कॉट अल्फा बराबर है कॉस अल्फा ओवर बाई जजर के वन मन फी साइंस के अल्फा, भाई जन कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करो जी फोर बाई फाइव, भाई सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेने के बाद वी गेट फोर बाई थ्री,
तो कॉट अल्फा किसके बराबर होगा, 4/3। तो अल्फा किसके बराबर होगा, कॉट इनवर्स 4/3। भाई दोनों की राइट लेफ्ट इक्वल है तो दोनों की राइट भी क्या इक्वल होगी। सो वी कैन राइट कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 4/3। जी क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच एक्सप्रेशन। भैया आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट पार्ट है कॉस, आगे साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई कॉस है आगे, भैया एंगल है साइन इनवर्स 1/√2। लेट वाई बराबर है साइन इनवर्स 1/√2। भाई लेट वाई बराबर साइन इनवर्स 1/√2। भाई लेट वाई बराबर साइन इनवर्स 1। तो भैया साइन वाई किसके बराबर होगा, 1/√2। अब जो साइन की डोमेन होती है वो -π/2 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन π/2। भैया यहाँ पे वाई है ना, तो वाई की वैल्यू -π/2 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन π/2। अब भैया इसका मतलब पहला और चौथा क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव है, तो भाई कौन सा क्वाड्रेंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब भैया जरा गौर से देखना, साइन कब होता है भाई, 1/√2 साइन π/4 होता है 1/√2। सो कंपेयरिंग करेंगे वाई बराबर होगा π/4 के, वाई की वैल्यू लगाएंगे साइन वर्स 1/√2 बराबर होगा π/4। भाई साइन वर्स 1/√2 किसके बराबर होगा, π/4 के। तो भैया कॉस आगे साइन इनवर्स 1/√2 बराबर होगा कॉस π/4 एंड कॉस π/4 होता है 1/√2। भैया आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, आप साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू निकालें वो π/4 है और कॉस π/4 का था 1/√2। भाई सेकेंड पार्ट सेकेंड, आगे कॉस इनवर्स 1/√2। भैया हमने लेट वाई फर्स्ट किया कॉस इनवर्स 1/√2, तो कॉस वाई किसके बराबर होगा, 1/√2 के। भाई जीरो इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन π/2। भाई जीरो इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन π/2। भाई जीरो इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन π/2। अब भाई जरा गौर से देखना, कॉस π/3 क्या होता है, 1/√2। भाई कॉस π/3 क्या होता है, 1/√2। भाई कॉस π/3 क्या होता है, 1/√2। भैया हमें पता है कॉस π/3 का होता है 1/√2। तो भाई दोनों को कंपेयर करो जी। भाई देखो ना, इसका मतलब पहला और दूसरा क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, तो भाई कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब भैया कॉस 1/√2 का पता 60 बेट। सो कंपेयरिंग करेंगे वाई बराबर होगा π/3 करिए, हैंस कॉस इनवर्स 1/√2 किसके बराबर होगा, π/3 करिए। भाई हैंस कॉस इनवर्स 1/√2 किसके बराबर होगा, π/3 करिए। तो हेयर सेकेंड, आगे कॉस इनवर्स 1/√2 किसके बराबर होगा, सेकेंड। इसकी जगह π/3 पुट कीजिए। अब भैया इसको नीचे ले जाएंगे, कॉस π/3 आएगा जी, भजन का कॉस π/3 आएगा जी, और कॉस π/3 का होता है 1/√2। तो हल करने के बाद वी गेट टू जी, भाई हल करने के बाद वी गेट टू जी। तो थर्ड पार्ट टेंजेंट, आगे कॉस इनवर्स √3/2। भाई टेंजेंट आगे कॉस इनवर्स √3/2 जी, भजन टेंजेंट आगे कॉस इनवर्स √3/2। भजन आपको पता है टेंजेंट आगे कॉस इनवर्स √3/2 निकालना। लेट वाई बराबर कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस वाई किसके बराबर होगा, √3/2। भाई इसकी डोमेन होगी जीरो इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन π/2। इसका मतलब पहला और दूसरा क्वाड्रेंट। तो भैया पॉजिटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब भैया कब होता है जी √3/2, कॉस π/6 के साथ √3/2। सो वाई किसके बराबर होगा, π/6। वाई की वैल्यू पुट करेंगे कॉस इनवर्स √3/2 बराबर होगा π/6 के। भाई वाई किसके बराबर होगा, वाई की वैल्यू कॉस इनवर्स √3/2 π/6। सुने जरा देखिएगा, आपने कॉस की जो डोमेन रखी है जीरो इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन π/2। इसका मतलब पहला दूसरा क्वाड्रेंट। अब पॉजिटिव है तो भाई कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 1 जी। हमारे पास कॉस इनवर्स √3/2 की निकली π/6। भजन 10 टेंजेंट आगे कॉस इनवर्स √3/2, टेंजेंट π/6, और टेंजेंट π/6 का होता है भाई 1/√2। फोर्थ पार्ट को सेकंड, टेन इनवर्स -1 जी। भाई लेट वाई बराबर टेन इनवर्स -1 का, टेन वाई का होगा -1 के जी। भाई वेयर -π/2 इज लेस देन वाई इज लेस देन π/2। भाई वेयर -π/2 इज लेस देन वाई इज लेस देन π/2। भाई जन वेयर हमारे पास पता है -π/2 इज लेस देन वाई इज लेस देन π/2। भाई इसका पहला और चौथा क्वाड्रेंट। अब नेगेटिव है ना, तो भाई क्या होगा जी, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो भाई आपको पता है टेंजेंट वाई किसके बराबर -1 कब होते हैं, टेंजेंट -π/4। भाई टेंजेंट -π/4 याद रखिएगा, -π/4 और टेन पाई बाई 4/1। तो भैया -1 आ गया, दोनों की राइट सीक्वल, दोनों की लेफ्ट सीक्वल। वाई बराबर आ गया टेन इनवर्स -π/4। नो वाई की वैल्यू टेन इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/4। अब भाई यहाँ पे टेन इनवर्स -1 लिखा हो, यू कैन पुट -π/4। वी आप कोसेकेंट आगे भैया टेन इनवर्स -1 कोसेकेंट भैया -π/4। इसको नीचे ले जाएंगे, भैया साइन आएगा जी, साइन का नेगेटिव बाहर आ जाएगा जी, और साइन π/4 का होता है 1/√2 जी। भैया हल करने के बाद -√2 आ जाएगा। अब भैया फिफ्थ पार्ट वी हैव सेकेंड, आगे भैया साइन वर्स -1/2। भैया सेकेंड आगे सुने साइन वर्स -1/2।
भैया वाई बराबर साइन वर्स माइनस वन बाई टू, लेट कर लें वाई बराबर साइन वर्स माइनस वन बाई टू, भाई साइन वाई का होगा माइनस वन बाई टू। अब आपको पता साइन की डोमेन होती है माइनस पाई बाई टू इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई टू, भाई साइन की डोमेन होती है माइनस पाई बाई टू इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई टू। अब जब देखें इसका मतलब पहला और चौथा क्वाड्रेंट, अब नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा जी, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब भाई कब होता है जी माइनस वन बाई टू, साइन आप ये याद रखिए साइन माइनस पाई बाई सिक्स का होता है, माइनस साइन पाई बाई सिक्स और ये था वन बाई टू, तो भाई हल करने के बाद माइनस वन बाई टू आ जाएगा। नौ दोनों को कंपेयर कर लें भैया, दोनों को क्या कर लें जी कंपेयर कर लें भैया, सो वाई किसके बराबर का माइनस पाई बाई सिक्स के, भाई वाई की वैल्यू साइन वर्स माइनस पाई बाई टू वन बाई टू का होगा माइनस पाई बाई सिक्स, तो भाई सिकेंड आगे साइन वर्स माइनस वन बाई टू, भाई सिकेंड बाहर साइन वर्स सिकेंड आगे साइन वर्स माइनस वन बाई टू की जहाँ पे क्या माइनस पाई बाई सिक्स, भाई इसको नीचे देंगे कॉस माइनस पाई बाई सिक्स, कॉस का नेगेटिव पड़ा गायब है और कॉस पाई बाई सिक्स का था एंड रूट थ्री बाई टू, वी कैट टू बाई एंड रूट थ्री। भाई फिफ्थ पार्ट वी हैव भाई टेंजेंट आगे टेंजेंट इनवर्स माइनस वन, भाई टेंजेंट आगे टेंजेंट इनवर्स माइनस वन, लेट वाई बराबर है टेंजेंट इनवर्स आगे माइनस वन, भाई इसको आप वाई फर्स कर लें। वैसे तो मैं बता टेंजेंट इनवर्स कैंसिल होता है आंसर माइनस वन आएगा, लेकिन नहीं आपने प्रूफ करना है बाई यूजिंग दिस टेबल विदाउट टेबल, भाई वाई बराबर टेन इनवर्स माइनस वन, तो टेंजेंट वाई का होगा माइनस वन, इसकी डोमेन याद रखें माइनस पाई बाई टू इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई टू, भाई टेंजेंट की डोमेन होती है माइनस माइनस पाई बाई टू इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई टू। अब आपको पता है भैया टेंजेंट माइनस पाई बाई फोर क्या होता है, माइनस टेंजेंट पाई बाई फोर और टेंजेंट का अगर नेगेटिव बाहर आ जाते हैं टेंजेंट पाई बाई फोर वन, तो वी गेट माइनस वन जी। अब भाई दोनों की राइट सी करो दोनों की लेफ्ट भी का इक्वल होगी, तो वाई किसके बराबर का माइनस पाई फोर, हैंस टेंजेंट आगे टेंजेंट इनवर्स माइनस वन इज इक्वल टू, भैया टेंजेंट इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई फोर, टेंजेंट का अगर नेगेटिव पड़ा बाहर आ जाते थे, तो भैया टेंजेंट पाई बाई फोर वन, तो वी गेट माइनस वन। नाउ सेवंथ पार्ट वी हैव साइन आगे साइन इनवर्स वन बाई टू, भाई इसका भी आंसर वन बाई टू आएगा, लेकिन नहीं यूजिंग बाय यूजिंग दिस टेक्निक, लेट वाई बराबर साइन वर्स वन बाई टू, भाई अपनी सहूलत के लिए यार ये कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल वन बाई टू बचेगा, लेकिन वहाँ पे डेट तो ठीक है एम सी क्यूज के हिसाब से, लेकिन अगर पेपर में आएगा एज ए क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, तो फिर हमें जो है ना इसको इस तरह डील करना पड़ेगा, लेट वाई बराबर साइन वर्स वन बाई टू, तो साइन वाई क्या होगा वन बाई टू, भाई इसकी डोमेन होती है माइनस पाई बाई टू इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई टू, भाई इसकी डोमेन होती है माइनस पाई बाई टू इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई टू। अब भाई जन आपको होता है टेंजेंट पाई बाई फोर क्या होता है, पाई बाई सिक्स क्या होता है, वन बाई टू, भाई हमें पता है टेंजेंट पाई बाई फोर क्या होता है जी, भैया पहला क्वाड्रेंट है ना पॉजिटिव है, तो भैया पहला क्वाड्रेंट होगा टेंजेंट भैया थर्टी किसके बराबर था वन बाई टू के। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो भैया वाई किसके बराबर आएगा पाई बाई सिक्स के, भाई जन वाई किसके बराबर आएगा पाई बाई सिक्स के जी, हैंस भैया साइन आगे साइन वर्स वन बाई टू, इसकी वैल्यू भैया पाई बाई सिक्स और साइन पाई बाई सिक्स क्या होता है वन बाई टू। नाउ सेवंथ पार्ट वी हैव एट पार्ट, भाई टेंजेंट आगे साइन वर्स माइनस वन बाई टू, भाई टेंजेंट आगे साइन वर्स माइनस वन बाई टू, लेट वाई बराबर है साइन वर्स माइनस वन बाई टू, भाई साइन वाई किसके बराबर का माइनस वन बाई टू। अब भाई इसकी जो डोमेन होती है माइनस पाई बाई टू इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन पाई बाई टू, इसका मतलब पहला चौथा क्वाड्रेंट नेगेटिव है, तो भाई कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, भाई माइनस पाई बाई टू इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन पाई बाई टू। अब भाई आपको पता है एज भैया साइन माइनस पाई बाई सिक्स का होता है, भाई साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है और साइन पाई बाई सिक्स का वन बाई टू, तो वी गेट माइनस वन बाई टू। अब भैया दोनों की राइट सीक्वल है तो दोनों की लेफ्ट भी क्या इक्वल होगी, तो कंपेयरिंग करेंगे तो वाई किसके बराबर निकलेगा माइनस पाई बाई सिक्स के। अब भैया वाई की वैल्यू पुट की साइन वर्स माइनस वन बाई टू किसके बराबर होगा माइनस पाई बाई सिक्स, जहाँ पे साइन वर्स माइनस वन बाई टू लिखा हो वी कैन पुट माइनस पाई बाई सिक्स या माइनस थर्टी डिग्री। अब भैया ना टेंजेंट आगे भैया साइन इनवर्स आगे माइनस वन बाई टू, भाई टेंजेंट ये क्या कहा माइनस पाई बाई सिक्स, टेंजेंट का आगे नेगेटिव बड़ा बाहर रहते हैं और टेंजेंट थर्टी का था वन बाई अंडर रूट थ्री, तो वी गेट माइनस वन बाई अंडर रूट थ्री। भाई नाइन्थ पार्ट साइन आगे भैया टेंजेंट इनवर्स माइनस वन, भाई साइन आगे भाई टेंजेंट इनवर्स माइनस वन जी, लेट वाई बराबर है टेन इनवर्स माइनस वन, लेट वाई बराबर है टेन इनवर्स माइनस वन के जी, तो भैया टेन वाई क्या होगा जी माइनस वन, इसकी डोमेन होती है माइनस पाई बाई टू इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई टू, भाई यहाँ पे लेस इक्वल नहीं आएगा सिंपल लेस आएगा माइनस पाई बाई टू इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई टू, भाई इसकी डोमेन क्या होगी माइनस पाई बाई टू इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई बाई टू। अब भाई आपको पता है टेंजेंट का अगर नेगेटिव पढ़ाओ टेंजेंट माइनस पाई बाई फोर क्या होता है माइनस टेन पाई बाई फोर, और भैया ये टेन पाई बाई फोर वन, तो भैया वी गेट माइनस वन, दोनों को कंपेयर करोगे तो भैया राइट सीक्वल तो लेफ्ट वी इक्वल होगी, तो वाई किसके बराबर का माइनस पाई बाई फोर, भाई वाई किसके बराबर का माइनस पाई बाई फोर, वाई की वैल्यू पुट करो टेन वर्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर। अब भाई जन गौर से देखें वी हैव साइन आगे भैया टेन वर्स माइनस वन, भाई टेन वर्स माइनस वन की वैल्यू माइनस पाई बाई फोर लगाई,
साइन का क्या नेगेटिव बड़ा बाहर है, साइन पाई बाई फोर के दवान पाई अंडर रूट हो चुकी, तो वी गेट माइनस वन बाय अंडर रूट हो चुकी।